पर हाथी की मौत के मामले में फॉरेस्ट अफसरों पर गाज गिरी है। कटघोरा के प्रभारी वन मंडल अधिकारी डीडी संत निलंबित कर दिए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस। कटघोरा वन परिक्षेत्र के कुल्हारी में हुई थी हाथी की मौत। आपको बता दें, दलदली फंसी हाथी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। आपको बता दें, रायपुर से खबर बता रहे हैं, कटघोरा के प्रभारी वन मंडल अधिकारी को निलंबित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आपको बता दें, कटघोरा के कुल्हारी में हाथी की मौत के मामले में फॉरेस्ट अफसरों पर गाज गिरी। आपको बता दें, कटघोरा के प्रभारी वन मंडल अधिकारी डीडी संत को निलंबित कर दिया गया है। अधिक जानकारी हम हेमंत से लेंगे। हेमंत, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से दो दिन पहले कटघोरा, कोरबा जिले के कटघोरा में एक जंगल में फंसे, दलदल में फंसे हाथी की मौत हो गई थी, उसमें लापरवाही बरती गई थी। इसके बाद वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और वहां पर जो केपी संत हैं, जो क्षेत्राधिकारी हैं वन विभाग के, उनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो प्रधान वन संरक्षक है, वन्य प्राणी अतुल शुक्ला, इसके अलावा एक और बड़े अधिकारी हैं बिलासपुर वन मंडल के, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साफ तौर पर वहां पर लापरवाही बरती गई थी। पिछले 38 से 40 घंटे तक जो मादा हाथी है वो दलदल में फंसे हुआ था, उसको निकालने के प्रयास बिल्कुल नहीं किए गए थे। जब लगातार जो मादा हाथी है वो बेहोश होने लगी, तभी वहां पर डॉक्टर की टीम पहुंची थी, लेकिन उसके पहले कोई प्रयास वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं वन विभाग के, उनके द्वारा नहीं किया गया था। जिसके बाद वहां पर मादा हाथी की मौत, तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इस मामले में इस मामले को वन विभाग ने गंभीरता से लिया था, जिसके बाद तीन अफसरों पर गाज गिरी है। एक को निलंबित किया गया है जो डीडी संत है, और दो जो बड़े अधिकारी हैं वो आईएफएस लेवल के, उनको यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हेमंत, कारण बताओ नोटिस तो दे दिया गया है, निलंबित भी कर दिया गया है, पर बात यही है कि आगे के लिए क्या सतर्कता बरती जाएगी और क्या एक्शन लिए जाएंगे जो इस तरह की चीजें निकल करके सामने ना आए? देखिए, वन विभाग ने कड़े शब्दों में इन अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और कहा है कि आगे इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ा मैसेज भी है वन विभाग की ओर से, क्योंकि दो जो बड़े अधिकारी हैं आईपीएस लेवल के, उनको वहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन के भीतर वहां पर जवाब मांगा गया है। जो नोटिस जारी किया गया है वन विभाग की ओर से, उनमें 7 शब्दों में लिखा गया था कि मादा हाथी की मौत होने से साफ तौर पर वहां पर लापरवाही बरती गई थी। वन विभाग की जो वहां पर टीम है, उन्होंने बाद में एक्शन लिया, इसकी वजह से मादा हाथी की मौत हुई थी। तो कड़े शब्दों में वन विभाग ने कहा था और अधिकारियों को चेताया भी है, तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं, कि आगे इस प्रकार की किसी लापरवाही बरती न जाए। तो अब इसके अलावा इन अधिकारियों को नोटिस और एक को निलंबित किया गया है, लेकिन एक विभागीय जांच वहां पर तैयार की जाएगी और पूरे घटना की जांच की जाएगी कि आखिरकार लापरवाही किस तरीके से बढ़ती गई और जो इंतजाम किए जाने थे आखिरकार वो क्यों नहीं किए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको खबर बता रहे थे, जिस तरह से हाथी की मौत हो गई थी उसमें फॉरेस्ट अफसरों पर अब गाज गिरी है। कटघोरा के प्रभारी वन मंडल अधिकारी पर ये गाज गिरी है।